want my money back! इनका आजकल इशू है सलीम भाई को क्या हुआ? वो तो सुबह बिल्कुल फ्रेश थे। उनकी फ्रेशनेस ने तो इनकी नींद उड़ा दिया। तुम खुद ही सोचो तारा, एक आदमी जो टी शर्ट और ट्राउजर्स में घूमता है सारा दिन, वो एकदम से तैयार होके खुशबू में रचा बसा घूमने लगे तो उसका क्या मतलब? मैं बता रही हूँ, उसने तुम्हारे कल वाले डिनर का बदला लिया है तुमसे। बिल्कुल नहीं, सारे में ऐसा नहीं है। अच्छा, और तबीयत आजकल कैसी? एक सेकंड आना, एक बात करनी। अरे खातून कौन है? तारा, डॉक्टर बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। चाचा, मैंने किसी को भी नहीं बताया है घर में। वो जो खातून थी ना मेरे साथ होटल में जी, वो मेरी एक्स वाइफ थी। फोर्थ ग्रेड कैंसर है उसे, और उसने मुझे मुझसे रब्ता किया था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब सफ़ुत चची को पता है इस बारे में? नहीं, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बताना भी मत। तब तक छुपाओगे इस बात को? कब तक? अच्छा सबक सिखा रहे हो घर की बहू बेटियों को। बाबू भैया, सफो को पता चल गया तो बड़ा हंगामा करेगी। उसका हंगामा करना बनता है? तुम्हें जरूरत ही क्या है दबी हुई राख से चिंगारी निकालने की? वो चचा बता रहे थे कि वो औरत बहुत बीमार है। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, तो उसको पैसे देकर खुद साइड पर हो जाओ। इतना बंद सवर के मुलाकातें करने की क्या जरूरत? बाबू भैया, उसके शौहर ने इनकार कर दिया उसका इलाज करवाने। तुम उसके फूफी के बेटे रखते हो? बोल गया हो क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ मासी में? जी बाबू भैया। ठीक है, मैं आइंदा सफो के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। अपने दिमाग की गलारियां साफ करवा लो। मैं कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा हूँ सफो के साथ। ज्यादती तो आप कर रहे हैं चाचा। आप उनकी कंडीशन देखिए, एक बार भी आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं लेकर गए उन्हें। हाँ, कैसे लेकर जाए? खिदमत खल्क से फुर्सत हो तो अपने घर की तरफ देखे ना। अभी जाओ, मुझे तारा से बात करनी। आओ। अच्छा, थोड़ा हल्के हाथ रखिएगा। हल्का? अरे यार भाई, एक छोटी सी स्टोरी बनाने देना, ये देखें। अरे यार, क्या स्टोरी? आपको मानना पड़ेगा जिंदगी का वैसे तब तक है जब तक शादी ना हो। यार, शादी से मजा शायद हम लोग खुद खत्म करते हैं। कैसे? जितनी केयर, लव, डिवोशन हम शादी से पहले दिखाते हैं ना, अगर उस बात का ख्याल शादी के बाद भी रखें, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाने। यार भाई, नहीं करें ना सैड बातें। अभी अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, पार्टी करते हैं, चिल करते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जी सर। ब्रदर, एक कोरा नेक्स लिए मेरे लिए। दिमाग तो ठंडा करो। ड्राफ्ट। थैंक यू यार। Thank you.
पावजान आप बेफिक्र रहिए, सफो चची को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बेटा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें उसकी कंडीशन का तो पता ही है। उनकी कंडीशन ऐसी ना भी होती ना, तब ये बात उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। हाँ ये बात तो सही है, औरत बहुत अजीब होती है, अपने बच्चों को तो शेयर कर सकती है लेकिन अपने शौहर को नहीं। मर्द भी कुछ ऐसे ही होते हैं बाबूजान। तुम्हारे और सारे उनके बीच में सब कुछ ठीक है ना? बेटा तुम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाला करो। कोशिश तो करती हूँ बाबूजान, लेकिन हमारी जॉब ही कुछ ऐसी है, टाइम ही नहीं मिलता। बेटा घर की बुनियादें स्ट्रांग हो तो बड़े से बड़ा तूफान उनको हिला नहीं सकता, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है। बाबू भैया आपकी जासूसी तो मुझे पूरी 70,000 की पड़ गई। क्या मतलब? वो जुल्फी है ना मैला, पूरे 70,000 मांग रहा है, कह रहा है 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, इतने सारे मैसेज कर दिए मुझे उसने। दिखाओ मुझे। आपको मुझे भरोसा नहीं क्या? हरगिज नहीं। दिखाओ। चेक कर लें आप, सिर्फ मैसेज देखिएगा। अरे इतने सारे मैसेजेस, वही तो कह रहा हूँ मैं, 70,000 बत्ती। चलो ठीक है मैं करता हूँ, उसको बुला लो, कल बुला लूँ। बुला लो बुला लो। बाबूजान मैं जाऊं अंदर? परेशान मत हो ना। बिल्कुल नहीं जी। बाबू भैया बात हो गई, वो आ रहा है। आ रहा है? तुम मुझे बताओ मैंने क्या किया। 70,000 तुम्हें एक जासूसी करने भेजा था। अब मुझे क्या पता था इतनी पुरानी बाइक को उठा के ले जाएगा। यहाँ कोई लोटे को नहीं बख्शता, तू बाइक की बात कर रहा है। आंखें खोली रखनी थी अपनी। तो आंखें तो मैंने अपनी सलीम भाई के ऊपर रखी थी ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आंख मैं सलीम भाई पे रखूं और एक आंख स्कूटर पे। मत्ती अल्लाह तुझे मत दे। आमीन आमीन। चले मैं आपके लिए बेहतरीन चाय बना के लाता हूँ। हाँ जाओ। आप सोचेंगे 70,000 ये हमें, ये 70,000 हमें कैसे लौटाने हैं। आ जाओ जल्दी से वरना मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा यहाँ पर। अरे तारा बात सुनो। हाँ जी। मती ने कुछ बताया कहाँ जा रहा है सलीम आजकल? चची खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मतलब? तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है चची, उनका दोस्त ही आए हुए दुबई से, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश लगे हुए बस। अरे आ जाओ। आपको टेंशन हो रही होगी ना चांद भैया की? हाँ काफी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए हैं दोनों। मत ले टेंशन, ये देखें दोनों एंजॉय कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों। मुझे तो इतनी आग लग रही है स्टूपिड हाशु को देख के। रूमी गलत बात है, हस्बैंड्स को ऐसे स्टूपिड नहीं कहते। क्यों ना कहूँ, आपको पता नहीं है वो दुनिया की हर वो चीज करता है जिसे मैं इरिटेट होती हूँ। तुम भी तो वही करती हो। कितनी बुरी बात थी आज तुमने लाइव वीडियो बनाकर डाल दी उसकी चच्ची से पिटाई वाली। तो मैं तो जाऊंगी लाइव, उस टफर की वजह से इतना कम जीपी आया है मेरा। तुम्हारा कम जीपी तुम्हारी कम स्टडीज करने की वजह से आया। दैट डज नॉट मैटर। आपको सच में गुस्सा नहीं आ रहा कि वो लोग अकेले एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। और एक बात बताऊं, कभी कभी ना हमें अपने शौहरों को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय करें। थोड़ी होता है आप दे स्पेस तो गोली मारूंगी इस हाशु के बच्चे को। शुक्र है आपको भी ख्याल आ गया अपनी बेटी का। अरे ख्याल को छोड़ो, तुम्हें पता है एग्जाम है तुम्हारा। कब? इस सैटरडे को। मुझे तो रजिया ने बताया कि कई दिन से लेटर आया हुआ है। अरे उस बेवकूफ ने मुझे क्यों नहीं बताया? रखकर भूल गई थी। अच्छा सुनो तारा, मैंने डॉक्टर शब्बीर से कह दिया है कि तुम 3 दिन हॉस्पिटल नहीं जाओगी और फुल फोकस करोगी अपना स्टडीज पर। तुम्हें ये पेपर हर हाल में क्लियर करना है। सही है मामा। अच्छा ये बताएं पापा की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, फोन रखो और तैयारी करो पेपर की। बात तो करवाया मेरी उनसे। जा रही कहाँ
तारा भाभी, आपको मामा खाने में बुला रही है। उनसे कहो प्लीज, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी सी भी नहीं? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। ओके। लगता है सनम ने लंच कुछ ज्यादा ही करा दिया। लंच कैंसिल कर दिया था। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि भूख नहीं है मुझे। भूख क्यों उड़ गई? यार एग्जाम की डेट आ गई है। क्या, कब से? इसी वीक के एंड पर। तो तुम जॉब के साथ पढ़ोगी कैसे? 10 में से 0 पास? वो मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम में। तो प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे यार वहाँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। हाशु के बच्चे बंद कर उसको, मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, तरबियत दिखा रही है अपनी और कुछ नहीं। और ये जो अपनी औकात दिखा रही है लाइव वीडियो बना के, तारा भाभी से कह बंद करे। जैसे तुमने बंद किया था कैमरा प्रिंसिपल की ऑफिस में, नहीं करता बंद। हाशु इधर दो, ये सब क्या है यार? भाई इसके अंदर पता नहीं किस भूखी चुड़ैल की रूह आ गई हमारे खाने की वीडियोस देख के। मैं तुम्हें बताती हूं भूखी चुड़ैल की। ओ मेरा तो सर फट गया इस रूह के तकिए से, हॉस्पिटल लेके जाए मुझे। आशु बिहेव योरसेल्फ। उसको नहीं कह रहे कुछ आप, लेकिन ये तुम दोनों ने शादी एक दूसरे से लड़ने के लिए की है क्या? और ये क्या मिनट मिनट में स्टेटस लगा के सारी दुनिया को बता रहे होते हो? चांद भाई इसने लगाया था स्टेटस कि शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। और तो तुमने स्टेटस लगाया था कि गिरगिट क्या रंग बदलते हैं जो मर्द बदलते हैं शादी के बाद। तो झूठ बोला था क्या? ये क्या मछली बाजार बना रखा है तुम दोनों ने? कुछ अपने बड़े भाई और भाभी से ही सीख लो। अंकल ये पार्टी कर रहा था जाके। तुम दोनों अंदर चलो, तुम्हारे जिन मैं निकालता हूँ। तुम जाओ बाकी स्टडी करो। भूखे पेट कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं वो मुझे वाकई भूख नहीं लग रही है। तारा मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी। ये तारा, हम एक दूसरे के लिए कितना कम टाइम मिलता है अब? हम कब बैठते हैं एक दूसरे के साथ? हमें पहले भी इतना ही कम टाइम मिलता था, लेकिन हम ना मैनेज कर लेते थे। मुझे एक दो अच्छी ऑफर्स आई हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। रियली? इसलिए मैं सोच रहा था कि अब सीरियसली फोकस करूं अपने करियर पे। तुम्हें एक अच्छी कार लेके देनी है मुझे। वो तो मामा से कहूंगी, एक दिन में ले देंगे। इस तरह तो मैं बाबूजान से कहूं तो वो एक घंटे में ले देंगे। लेकिन बात बाबूजान, ये तुम्हारी मम्मा की नहीं है यार। तो तारा तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, और मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर हमारे पेरेंट्स अब भी हमारी जरूरियात पूरी करें। यार हम बच्चे थोड़ी हैं कोई। अच्छा चलो ना, अब तुम जाओ। वैसे मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, 4 दिन बाद एग्जाम, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अच्छा पढ़ लेना पहले खाना खाना। ओके तारा, तारा सपू भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जरा जाके देख लोगी? क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, तुम देख लो। अच्छा अच्छा, आप एक काम करें, खाना ढक के रख दें किचन में, मैं आके खाती हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों की इतनी जल्दी शादी के खिलाफ था। इसकी अम्मी को जल्दी थी बाबूजान। अच्छा तुम चुप रहो, सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। रूमी बेटा क्या मसला है? I'm sorry, अंकल। बेटा शादी जिम्मेदारी निभाने का नाम है, और जिम्मेदारी निभाना तो दूर, तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। बाबूजान आप इससे पूछें, ये हर चीज सोशल मीडिया पे क्यों डालती है? क्यों डालती है भाई, क्या मसला है? ऐसे बोल रहे जैसे खुद नहीं डालती। ओके सीज फायर, मुझे अपना फोन दो। नहीं नहीं, हम ख्याल रखेंगे बाबूजान। ठीक हो गया, फोन दे दो। बाबूजान क्यों ले रहे हैं फोन? नहीं अंकल दे दीजिए। मैं इसलिए ले रहा हूं कि तुम दोनों को एहसास हो कि इसके अलावा भी एक जिंदगी है, सोशल मीडिया के अलावा भी जिंदगी है। अंकल प्रॉमिस आइंदा नहीं होगा, फोन तो वापस कर दें। अभी आपको मिलेगा सेमेस्टर के बाद। नहीं, नहीं।
और आप दोनों के हाथों में मुझे कोई और मोबाइल फोन भी नजर ना आए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और करो तुम फजूल हरकतें, मना किया था ना तुम्हें। भाऊजान बाहर एम्बुलेंस आई है, सफू चाचा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ अम्मी को? तारा भाभी कह रही है कि एडमिट होना पड़ेगा। अरे क्या हुआ बेटा? ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका, प्रेगनेंसी शुगर भी बहुत हाई है और भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब क्या होगा? अब उनको नेक्स्ट 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का भी खतरा है। वो किस वजह से? सबसे बड़ा फैक्टर तो उनकी एज का है, और फिर ना ही वो मेडिसिन दे रही हैं, ना ही वो बेड रेस्ट कर रही हैं। सीनियर से कहा है कि उनको प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत है। मैं सोच रही चाची के साथ ही रुक जाऊँ। अरे नहीं नहीं, मैं सलीम को कहता हूँ, वो रुक जाएगा। तुम्हारा तो इम्तिहान है, सैटरडे को पेपर भी तो है। हाँ है तो, लेकिन मैं कर लूँगी मैनेज। आर यू श्योर? जी जी बाबूजान, आप लोग घर चले जाइए। ठीक है, मैं अंदर जा सकता हूँ। जाइए प्लीज जाइए, मैं भी बस ऑफिस में ही हूँ, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। ठीक है सलीम, बहुत शौक है तुम्हें मदर टेरेसा बनने का। बस सफो चची का मामला है तारा, तुम्हारे भी फ्यूचर का मामला है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें क्यों नहीं एहसास हो रहा यार? अब वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं घर जाकर कैसे बैठ सकती हूँ? तो क्या हो गया, तुम डॉक्टर सनम से बोलो वो मैनेज करने की कुछ दिन। वो भी छुट्टी पर है ना, ये एग्जाम्स की वजह से। तारा तुम किसी और डॉक्टर से बात कर लो और चलो मेरे साथ घर चल के एग्जाम्स की तैयारी कर लो। मैं महनाज चची को बोलूंगा, वो दो दिन आके यहाँ सफो चची के पास रुक जाएंगी। यार सारे में ये नहीं हो सकता, मैं उनको हाँ कह चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे पढ़ाई करोगी, एग्जाम्स की तैयारी कैसे होगी तारा? क्या हो गया यार, क्यों बच्ची बन रही है? कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ। ठीक है, कल कुछ हो गया ना फिर तुम फेल वेल हो गई तो मुझसे शिकायत ना करना। तुम सुनती भी तो नहीं हो मेरी बात। सॉरी तारा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। नहीं चची, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी वजह से यहाँ रुकी हो या तुम्हारी ड्यूटी है आज? वजह जो भी हो, आप बस रेस्ट करें। अच्छा, और मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी है? अल्ट्रासाउंड तो आपका ठीक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अलार्मिंग है, इसलिए आपको बेड रेस्ट करना है और मेडिसिन टाइम पर लेनी है। अच्छा थैंक यू तारा। नो प्रॉब्लम, मैं बस राउंड लगा कर आती हूँ वार्ड का, और आप रेस्ट करें और बिल्कुल परेशान मत हो। तारा ने तो नाश्ता लाने से ही मना कर दिया। तो आप परहेजी खाना मिलेगा ना सफो को? हाँ तो तारा किस खुशी में खाएगी परहेजी खाना? आप पैक कर दे, मैं दे आता हूँ, उसे खुद तो ख्याल आएगा नहीं अपना। ठीक है मैं बना देती हूँ। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है भाई? परसों पेपर है उसका, जिसे आप ईमानदारी के लिए हॉस्पिटल छोड़ा है। वो खुद ही कह रही थी मैं मैनेज कर लूंगी। मैनेज तो बहुत घर में से कोई भी कर सकता था। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं उसको भी नाश्ता बना के दे देती हूँ। ठीक है
और तुम्हें शायद हूँ? हाँ शायद है तुम्हें। तारा, तारा, नाश्ता लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो अभी बहुत पढ़ाई हो गई है, गर्म गर्म नाश्ता करते, चाय मैंने मंगवाई है। टक्कर मारने का कोई डिप्लोमा कर रखा है क्या आपने? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। चल, हम चाय के अलावा कुछ गौर से देखते हैं। आप काफी डिफरेंट लग रही हैं। मतलब? मेरा मतलब है कि आप अपने मखसूस ड्रेस में नहीं है ना, ट्राउजर टी शर्ट। वो एक्चुअली चाची हॉस्पिटल में ना, तो उनकी इयादत के लिए जा रही हूँ, तो मजबूरी है। अपनी मखसूस स्पेशल ड्रेसिंग में जाऊंगी तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। ऐसे ड्रेस पहना करें, अच्छी लगती है। मैं जैसी हूँ वैसी भी अच्छी लगती हूँ। ये भी है। ओके। Thank you.
जी मामा। नहीं, अभी तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर तो नहीं आई है, बस आप दुआ करें कि उसका पेपर अच्छा हुआ हो। जी जी, मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है, जैसे ही आती मैं बात कराता हूँ आपकी। खुदा हाफिज। हाँ भाई, पेपर कैसा हुआ? मुझसे ये मत कहना कि मुश्किल आया था। नहीं, मुश्किल तो नहीं था पेपर। तो वो बस कुछ टॉपिक्स मैं रिवाइज नहीं कर सकी थी ना। डोंट टेल मी, क्यों रिवाइज नहीं कर सकूं? यार घर में सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। एक आंसू भी निकला ना तुम्हारा मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुमसे तो बच जाऊंगी, मामा नहीं छोड़ेगी मुझे। कॉल आ रही है मामा, तो फोन अटेंड करके उनको बताऊंगा कि खिदमत खल्क में इतना बिजी थी कि पेपर की तैयारी नहीं की मैंने। यार तो सब कुछ अच्छी को क्या ऐसे ही छोड़ देती? तो तारा, तुम दुनिया में कोई वाहिद गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ी थी यार। अब मुझे कॉल आ रही है, मम्मा की होगी तुम्हारी। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे सारम कहाँ हो बेटा? कब से फोन कर रही हूँ मैं तारा को, फोन अटेंड नहीं कर रही। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, पेपर कैसा हुआ है उसका? मेरे साथ ही खड़ी है, वो कह रही है कि इस बार पेपर बड़ा टफ आया था, ज्यादातर बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। Is she mad? अरे मेरी डॉक्टर सनम से बात हुई है, उसने बताया है कि इस मरतबा पेपर में सब वही आया जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा, हेलो मम्मा, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं अभी इतना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं घर पहुँच के कॉल करता हूँ आपको। हेलो हेलो, अब तुम खुद संभाल लो अपनी मम्मा को, 10 में से 0 पास, पता नहीं मुझे फंसा दिया काम। तो उमेश, 3 दिन में तो गुब्बारा भी ठुस जाता है। देख रही हूँ ठुसा हुआ गुब्बारा। इतना क्या मसला है? बाबूजान ने मेरा भी तो फोन लिया है ना। तो तुम्हें क्या इशू है? प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है ना मम्मा से कनेक्ट करने में। अब उनको मैं क्या बताऊँ, मैं ससुराल में नहीं जेल में रह रही हूँ। मेरे घर को जेल कह रही हूँ? जेल ही तो है, हर तीसरे दिन कोई नई पाबंदी आ जाती है। बताओ, फोन लेने का कोई तुक था? अरे यार, इस चीज को पॉजिटिवली भी तो लिया जा सकता है। देखो इन 3 दिन में हमें कितना टाइम मिला एक दूसरे को समझने के लिए। सब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारे बाबूजान को हुक्मरानी करने का शौक है और बाकी सबको उनसे दबने का। रूमी बस अब बाबूजान के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा। सुल्टू, मैंने इन 3 दिनों में बहुत सोचा है। सोचने करने से दिमाग चाहिए होता है। शट अप स्वीटू। स्वीटू देखो, अब मेरी जरूरत है कि मैं एक अलग घर में रहूं, जहां मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजार सकूं। रूमी, आई एम सॉरी, पर मैं अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूं। बिल्कुल हो, पर फैमिली रिश्तों से बनती है और मैं अपने किसी भी रिश्ते के बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, मेरे बगैर रहने की आदत डाल लो। बाबू भैया, चाय। शुक्रिया। देखो नाज, डॉक्टर्स ने सफ़ा को मुकम्मल बेड रेस्ट कर। बाबू भैया आप टेंशन ना लें, मैं बहुओं के साथ मिलकर सफ़ू भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी। तुम बहुओं को रहने दो, दोनों बेचारी पड़ रही हैं, तुम माला को साथ लगा लो। नहीं बाबू जी, एक काम करें ना, माला के लिए चाय का ढाबा खुलवा लेते, क्योंकि बास्केटबॉल प्रैक्टिस का तो टाइम मिल नहीं रहा। लेकिन हाँ, चाय मैं अब परफेक्ट बना लेती हूँ उस नशाई की वजह से। नशाई? वो शायद ये मेरी बात कर रही हैं। अरे हेलो, सुना है तुम्हारी वजह से डॉलर में नंबर्स के चक्के मारने शुरू कर दिए। अंकल, डॉलर एक बहुत चिंगेस बच्चा है, बस थोड़ा सा केयरलेस है। वेल, आज मैं आप लोगों को एक जहमत दूंगा, मनु की आया अभी तक वापस नहीं आई। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, मनु तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। खेलो, तुम तो अभी जवान हो, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते बच्ची के लिए? कल माजरत के साथ एक सवाल पूछूं, आपने तो उसी शादी क्यों नहीं की अपनी मिसेस के जाने के बाद? कैसा कर लेता, बिल्लो ऐसी कोई मिली ही नहीं। मुझे भी नहीं मिली, शुमाइला जैसी। नहीं नहीं, एक सेकेंड, इनकी मरहुमा वाइफ का नाम शुमाइला था। मैं कुछ और समझ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तारा कैसे हुआ तुम्हारा पेपर? मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत दुआ की है। इंशाल्लाह इस बार पूरी दुनिया में टॉप करेगी अगर आपकी दुआ रही तो। इंशाल्लाह। भाभी थैंक यू सो मच, आपने उस दिन अनु का बहुत ख्याल रखा। कोई बात नहीं, हम आज भी रख लेंगे। चले मैं चलता हूँ, ये इसका बैग है। ओके ठीक है, तुम जाओ हम देख लेंगे। डे केयर खोलने का इरादा है? पेपर मेरा खराब हुआ है और मूड तुम्हारा ऑफ है क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे सारी जिंदगी अकेले गुजारी है ना तुमने, इसलिए कदर नहीं है रिश्तों की। मैं सारी जिंदगी इन जबरदस्ती के रिश्तों का ढोल नहीं बजा सकती अपने गले में लेकर। रिश्ते जबरदस्ती का ढोल नहीं होते, उनको केयर की जरूरत होती है। करियर तो बन ही जाएगा ना, इतना मुश्किल वक्त है अभी सब कुछ अच्छी का। अकलमंद लड़की, तुम उनकी मुश्किलें हल करते करते कम से कम खुद को तो मुश्किल में ना डालो ना, अपनी जात को भी तो प्रेफरेंस दो ना। आई एम सॉरी, तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं सेल्फिश नहीं बन सकती। हाँ मैं हूँ सेल्फिश, तो जो इंसान अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं हो सकता वो किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट। और जो इंसान सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचे ना, वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तुम मुझे बस ये बताओ कि हम दोनों वो घर छोड़कर अलग क्यों नहीं हो सकते? मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। मैं कुछ अरसे के लिए कह रहा हूँ ताकि मैं और तुम अपने करियर पे फोकस तो कर सके। साफ साफ कहो कि तुम इस घर से निकलना चाहते हो। हाँ मैं इस घर से निकलना चाहता हूँ क्योंकि इस घर में रहते हुए मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहा, यहाँ रहकर तुम्हें कुछ बनकर दिखाऊंगा। स्वीटू तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे? तुम ही अपना करियर, अपनी स्टडी, सब कुछ दांव पर लगाकर तुमसे शादी की थी। अब इस चीज की कदर नहीं करोगे तो मेरी क्या खाक कदर करोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी स्पेस चाहिए। तुम मार्स पे चली जाओ, बहुत स्पेस है वहां पे, उछलती रहना सारा टाइम। मनु घर में बच्चे वैसे कम थे और एक और आ गई। मनु कैसे? हेलो मैं मोहित बात कर रहा हूँ, पूछना ये था कि मनु आपको तंग तो नहीं कर रही ना? नहीं क्योंकि वो चाय नहीं पीती ना। बाय द वे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? आपकी चची को कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आपसे डायरेक्ट बात कर लो, मनु आपके साथ खेल रही है ना। हाँ वो माशाल्लाह से खेल रही थी पर अब तो मजे से अपना लंच एंजॉय कर रही है। थैंक यू एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग किया ना। बस एक दो दिन की बात है फिर डे केयर सेंटर का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या मतलब, उसकी आया वापस नहीं आ रही है क्या? नहीं उसकी फैमिली में कुछ इशू आ गया है, वो 15 दिन तक नहीं आ पाएगी। मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगा पक्का। इट्स ओके। अच्छा वो आपसे एक बात करनी थी। ओह वो नशे वाली बात? देखिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट अच्छा लगा। वो शुमाइला भी कभी कभार शरारत में यही बोलती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। आपने तो यूं ही कहा लेकिन आपकी बात का नशा काफी देर तक रहा।
अच्छा डॉलर, इसका जरा ख्याल रखना, मैं आती हूँ। क्या चांद और मैं तारा।